रीवा से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए विंध्य से इस बार 100% सीट जीतेंगे, पिछली बार भी विंध्य ने अच्छा साथ दिया था। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को राहुल गांधी अच्छे से नहीं जानते, इसलिए अनर्गल बातें करते हैं। इससे साफ होता है कि उनका ज्ञान कितना अल्प है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे थे। इसके बाद वृंदावन गार्डन जिरिया में वरिष्ठ व पदाधिकारियों से साथ संवाद किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए सभी को लगना है किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसकी चर्चा की जाएगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सारा देश महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव की नज़र से देखें तो विंध्य ने पिछले चुनाव में अच्छा साथ दिया था। इस बार भी विंध्य में जो माहौल है, 100% सीटें हम विंध्य से जीतेंगे। वहीं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के विंध्य की मांग पर कहा कि उनसे मिलकर चर्चा करूंगा। महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सवाल और विपक्ष के माफ़ी मांगने की मांग पर कहा कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, तो माफ़ी क्यों मांगूं। उन्होंने वीर सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा कि वो उन्हें नहीं जानते या फिर अनजान बन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह के नाम पर लड़ा जाएगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। 20-25% चेहरे नए थे, अब कहाँ से दें ये बात अलग है, रीवा से देना या कहाँ से देना, पर कोशिश होती है हमारी कि नए लोगों को भी मौका दें। पार्टी पर आरोप लगते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्या इस बार कौन आरोप लगाता है यार? आप ही लगा रहे हो। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? शिवराज जी, शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव। बढ़ती महंगाई को लेकर के इस बार विपक्ष चुनावी मैदान पे आएगा? देखिए, इस विषय पे विपक्ष चुनाव एक नहीं कई चुनाव हारा है, और इसलिए अब ये विषय जनता आप समझने लगी है। आप जनता गुमराह नहीं कर सकते। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व के अंदर मंदी है और महामारी है, महंगाई बढ़ी है, पर उसके बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। एशिया में नंबर वन नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मूडी जो कि अनुमान लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, IMF, उन्होंने भी अपने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।